ओम शांति। आज है 19 जनवरी 2022। मुरली का सार। मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर: अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। दूसरा, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान: व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं, संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन: बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। ओम शांति।